आज मैं गाइस इन चारों बॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है। सामने है Realme 12 Pro Plus, Realme 12 Pro, 11 Pro Plus एंड 10 Pro Plus भी। कैसे जरूरत पड़ेगी अभी आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। एनीवेज, Realme का लेटेस्ट फोन आ चुका है नंबर सीरीज का, 12 सीरीज का। लेट्स टॉक अबाउट ये फोन कैसा है। दो फोन है, 12 Pro Plus एंड द 12 Pro। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि Realme 12 Pro Plus कैसा है, 12 Pro कैसा है। थोड़ी सी टेस्टिंग बाकी है, वैसे काफ़ी एक्साइटिंग फोन है, क्या पता आपको 12 Pro ज़्यादा समझ में आ जाए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइस, क्या कहानी है। नंबर वन चेंज जो दिखाई पड़ रहा है, मेक इट रियल है। आई थिंक जो पुराना वाला सीन था डेयर टू लीव वो जा चुका है। इनसाइड आपको क्या क्या मिलता है, एक एक्साइटिंग चीज़ है, ये रहा चार्जर। यहाँ पे आपको सबको मिला है 67 वाट का। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें एक्साइटिंग क्या, मैंने एक्साइटिंग तो बोल दिया। देखो एक्साइटिंग पार्ट ये है कि अगर आप Realme 11 Pro Plus पे जाते हैं, देखो यहाँ पे सीन क्या था। यहाँ पे सीन ये था कि बॉक्स में आपको जो चार्जर मिला था वो 80 वाट का था और यहाँ पे 67 वाट का दिया गया है, तो है ना आपको डाउन साइज दिखाई पड़ गया। 10 Pro Plus पे आ जाते हैं कि यहाँ पे आपको इवन दो 80 वाट का चार्जर मिल रहा था बट फोन 67 वाट सपोर्ट करता था। कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन के डिज़ाइन में कितना चेंज हुआ है। 11 Pro Plus से अगर देखा जाए तो यस, रिंग काफ़ी बड़ी हो गई है। और रिसेंटली हमने एक और फ़ोन देखा था, आप देख सकते हो Realme का GT5 Pro, जो कि भाई बहुत जल्दी इंडिया में आने वाला है, तो इससे इसका डिज़ाइन काफ़ी मिलता है। इवन जो माथे की बिंदी वो भी मैच करी, बट एक और डिफरेंस जो मुझे नज़र आया वो काफ़ी अच्छा था, वो बताता हूँ। जैसे अगर मैं इसके वीगन लेदर को टच करने की कोशिश करूँ, जो कि यहाँ पे भी दिया गया है, देखो ये वाला स्टाइल आपने देखा था कि ये कैसा था, आप ड्यूरेबिलिटी चेक कर लेना। यहाँ पे जो लेदर यूज़ किया गया था वो थोड़ा सा ना चिकना ज़्यादा है, लाइक स्लिपरी फीलिंग ज़्यादा आ रही है इस वाले में। और जो उसके बाद Realme का फ़ोन आया GT5 Pro, यहाँ पे क्या थोड़ा सा टफ टेक्सचर है ना, कि जो टफ लेदर होते हैं वो फील हो रहा है, बट यहाँ पे जो लेदर दिया गया वो थोड़ा सा ना एकदम सॉफ्ट टच वाला फीलिंग है, तो ये होल्ड करने में मुझे थोड़ा सा मच प्रीमियम फील हो रहा है। सो नो डाउट डिज़ाइन इसका अच्छा है। अदर फैक्टर्स में यस, टॉप में ईयर पीस ग्रिल है, यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन माइक है एंड यहाँ पे पावर बटन है, वॉल्यूम बटन है, ऑफ कोर्स बॉटम में को भी हेडफोन जैक नहीं है, ड्यूअल 5G सिम कार्ड है, टाइप सी एंड द स्पीकर। सो स्टैंडर्ड डिज़ाइन है जो Realme ऑलवेज फॉलो करती है, कुछ यहाँ पे नया नहीं है। डिस्प्ले में क्या चेंजेस है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। डिस्प्ले में कोई चेंजेस नहीं है, जो डिस्प्ले 11 Pro Plus का था वही डिस्प्ले 12 Pro Plus का है। सामने आपके दो फ़ोन पड़े, अगर आप गेस कर सकते हो तो मुझे बताना कौन सा डिस्प्ले किस फ़ोन का था। मैं उसको हाइड करके ऐसे हटा देता हूँ और फिर दोबारा मैं फ़ोन को वापस ले आता हूँ, समझ सकते हैं तो समझ जाना। तो ये स्टैंडर्ड AMOLED पैनल है, इस बार कंपनी ने इसमें कुछ नया देने की कोशिश नहीं की है, लाइक 120 हर्ट्ज़ है, HDR 10 प्लस है, फुल HD प्लस है, पीक ब्राइटनेस 900-950 nits के आसपास पहुंच जाती है मैक्स में, ये सारी चीज़ें होकर यहाँ कुछ एडिशनल जो यहाँ पे दिया गया, जैसे कि टच सैम्पलिंग का है, लाइक आपको 240 हर्ट्ज़ तक की टच सैम्पलिंग मिल जाती है, बाकी 2000 तक की आपको इंस्टेंट टच सैम्पलिंग भी मिल सकती है ड्यूरिंग गेमिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो Realme पहले भी करती थी, इस बार भी वो सारी चीज़ें गई, कुछ नया नहीं दिया गया, जैसे कि अदर कंपनीज 1.5K या ज़्यादा ब्राइटनेस के डिस्प्ले दे रहे हैं, वो अभी फ़िलहाल नंबर सीरीज में नहीं दिया गया। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का CPU दिया गया है, लास्ट ईयर MediaTek का था लेकिन अब थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखो वैसे जितना मैंने यूज़ किया इसको 1 वीक, मुझे कोई दिक्कत लगी नहीं। ऑफ कोर्स सारे CPU आजकल के जो आप बाई करते हैं ना 20,000-15,000 से ऊपर, वो सारे अच्छे होते हैं। तो अगर आप कोई भी बेसिक काम करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब नेटफ्लिक्स टाइप चीज़ें जिसमें बहुत हाई डिमांडिंग काम नहीं होता है, तो वो चल जाते हैं बड़े आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा प्रो वाली की बात करें, जैसे अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हैं, तो इस पर मैंने बीच में ऑफकोर्स टेस्ट किया, स्मूथ में आप यहाँ पर 60 FPS की HDR में गेमिंग कर लेंगे, लेकिन अगर आप HDR सेटिंग लगाते हैं हाई ग्राफिक्स वाले में तो 40-50 के आसपास फ्रेम रेट चला जाता है। तो ये एक्सपेक्टेड था बिकॉज ये सुपर पावरफुल CPU नहीं है। बेंचमार्क की बात करें तो आपको 6-6.5 लाख के बीच का स्कोर मिल जाएगा। इस प्राइस के मैं आपको कुछ और फ़ोन भी दिखा दे रहा हूँ रेफरेंस में, उसमें आप स्कोर देख सकते हैं कि स्कोर क्या आ रहा है, तो उसको देख के आप समझ जाएंगे कि ये किस लेवल का CPU है। हाँ, थ्रॉटलिंग की बात करें तो इस CPU में मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कोई मेजर CPU थ्रॉटल नोटिस हुआ हो, ये अच्छी बात है। हैवी लोड में भी ये आसानी से स्मूथ परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आपकी नीड ऐसी कि आप हाई परफॉर्मेंस गेमिंग करना चाहते हैं, जैसे कि BGMI या बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं या कोई भी गेम प्ले करते हैं, तो आपको इस प्राइस में और बेटर CPUs आसानी से मिल सकते हैं, जैसे कि Dimensity 9000 वाले
और जो अल्ट्रा वाले अब सीपीयू आ रहे हैं, स्नैपड्रैगन का 8+ जेन 1 ऑलरेडी आपको अंदर 30 में अब मिल रहा है, जो आपको बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस दे सकता है। वेल, कैमरे की बात करें, पहले मैं आपको बजाज चेतक का शॉट लेके दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा बजाज चेतक और ये रही हमारी पुरानी वाली मेला पिक्चर, देखा है? ये उसकी गाड़ी थी, इसमें नंबर भी लिखा होगा पीछे, देखो नंबर खाली है, मैंने अभी नई गाड़ी खरीदी है, नंबर मैं इसमें डालूंगा, UP32007। यहाँ पे 50 MP का सोनी MX890 है। मेन सेंसर की फोटो से क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो ये सोनी के सेंसर है, तो रिजल्ट आपको पता है कैसे आएगा। फोटोज इसके बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, डिटेल्स विटेल्स सब कुछ बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा आपको सैचुरेटेड शॉट्स मिलेंगे, बट इवेंचुअली वो शॉट्स दिखने में अच्छे लगते हैं। इन सबरी में सोशल मीडिया रेडी कर सकते हैं, कलर थोड़े से पॉप करेंगे, टेक्सचर्स अच्छा आता है, तो सोनी के सेंसर में ऑफकोर्स गाइस ये क्वालिटी मिलती है। अगर आप लो लाइट में जाते हैं तो भी ये कैमरा बहुत ही सही परफॉर्म करता है, बिकॉज ये फ्लैगशिप ग्रेड वाला कैमरा सेंसर था, तो नॉइज़ बहुत कम मिलेंगे, डिटेल टेक्सचर्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। 8 MP का जो अल्ट्रा वाइड है उसकी भी कहानी लाइक ठीक ठाक ही होगा गाइस, क्योंकि 8 MP में इतने पिक्सल्स होते नहीं कि आप बहुत क्रेजी डिटेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड की रियली नीड है तो ये आप 8 MP यूज़ करिए, अदरवाइज आप थोड़ा सा आगे पीछे करके ना एडजस्ट कर लेंगे, वो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। ये ओनली फ़ोन है सबसे कम प्राइस में जहाँ पे पेरिस्कोप मिल रहा है। अब पेरिस्कोप से बेनिफिट क्या मिलता है, आप बहुत दूर तक जूम कर सकते हैं। चलो क्वालिटी कंपेयर करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे 3x ऑप्टिकल जूम दिया गया है। साथ में मैं आपको आईफोन और गैलेक्सी भी दिखा देता हूँ, जो सर लेटेस्ट S24 अल्ट्रा वाला आ रहा है। डिफरेंट लेवल का जूम परफॉर्म करते हैं, 3, 10, 5, 10, 10, 10, 25। इवन अगर आप 25x पे देखोगे तो ये फ़ोन आईफोन की बराबर की क्वालिटी दे रहा है। हाँ, कलर वलर का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जो डिटेल्स आ रहे हैं वो आपको बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। कहाँ 1,60,000 का फ़ोन, कहाँ ये 30,000 का फ़ोन। और आगे बढ़ते हैं, आईफोन 25 जाता है, सैमसंग से टक्कर लेके देखते हैं, 50 पे देख लें, 100 पे देख लें, 120 पे देख लें। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक्चुअल शॉट की बात करें, जो शॉट है वो ऑफकोर्स सैमसंग में ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बट अगर आप शॉट की ओरिजिनल फ़ोटो देखेंगे ना तो उसमें टेक्सचर्स हैं, वो एकदम सुपर ब्राइट फ्लैट नहीं था, तो सैमसंग में AI का यूज़ करके इमेज इन्हेंस कर दी गई। यहाँ पे क्या किया गया, ज़्यादा AI का यूज़ नहीं किया गया, जो नेचुरल लुक आ रहा था वही देने की कोशिश की गई, बट इवेंचुअली क्वालिटी मैटर्स करती राइट, चाहे AI से चाहे जैसे आई। तो पॉइंट आप समझ गए कि आप किस लेवल का यहाँ पे पेरिस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। कम प्राइस में आपको बढ़िया एकदम फ्लैगशिप वाला जूमिंग चाहिए ना, तो वो यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वो नीड कैसी है। वैसे यहाँ पे मून मोड भी दिया गया है, मजाक मजाक में, वो चीज़ जो सैमसंग में थी यहाँ पे भी दी गई है। तो कहानी आप जानते हैं, ये ट्रू मून मोड जो होता है वो नहीं होता है, बस ये काफ़ी बियॉन्ड जूम करके उसको AI जनरेटेड, यानी कि जो मून की साइकिल चलती ना उसके अकॉर्डिंग मून कैसा दिख रहा होगा, वो शॉट यहाँ पे चिपका दिया था। बट फीचर दी गई है, तो आप ये कह सकते हैं हमारे फ़ोन से तो चंद्र की फोटो भी खिंच जाती है, वो वाला है शेख चिल्ली वाली बात थी, जब करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। वीडियोज़ की बात कर लें, यहाँ पे आप 4K वीडियोज़ बना सकते हैं रियर कैमरे से। इस फ़ोन में बोथ मेन सेंसर एंड दी पेरिस्कोप दोनों में OIS दिया गया, यानी कि अगर आप मेन कैमरे से वीडियो बनाते हैं तो ऑफकोर्स वो भी स्मूथ बनेंगे। 4K 30 है, 60 ऑफकोर्स नहीं दिया गया, अगर आपकी 60 नहीं है तो आपको और दूसरे वाले फ़ोन्स पे जाना पड़ेगा। अल्ट्रा वाइड यहाँ पे जस्ट 1080p बनता है, तो वो कुछ खास मैं आपको नहीं बताऊँगा कि बहुत बढ़िया क्वालिटी वीडियो बनता है, जस्ट 1080p बन रहा है, तो कुछ ऐसा आपको शॉट मिलेगा रियर कैमरे से वीडियो से। अब गाइस आ जाते हैं फ्रंट कैमरे पे, यहाँ पे देखो अच्छा क्या है। फर्स्ट सेंसर 32 MP का सेंसर दिया गया है, तो आपको थोड़ी सी बेटर शॉट दिख रही होगी। अभी आपको जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ वो जस्ट 1080p है, ये थोड़ा सा लिमिटेड है, GT5 में 4K था रिमेंबर, यहाँ भी नहीं दिया गया। देखो कलर वगैरह एकदम सही आ रहे हैं, इवन हमारी जो मेला वाली आई गाड़ी आ रही है ना गुड्स कैरियर, उसमें देख लो एकदम बिंदास चमकदार कलर आ रहे हैं। तो फ्रंट कैमरे से वीडियो क्वालिटी अच्छी है, आई विश 4K होता तो और मज़ा आ जाती। सेल्फी की बात करें तो सेल्फी भी बहुत ही सही आ रही है, बिकॉज 32 है तो डिटेल, शार्पनेस, कंट्रास्ट, पोर्ट्रेट सब कुछ बहुत अच्छा रहा। बाय द वे यहाँ पे एक सफ़ेद बाल सा आ गया है। तो कुल मिला के गाइज, अगर आपको एक सस्ते दाम में अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए, आई थिंक ये आपकी सारी नीड्स फुलफिल कर सकता है। स्पीकर्स देखो वैसे तो मुझे इसके अच्छे लगे, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इससे बढ़िया स्पीकर मैंने देखे नहीं है। ये लाइक लाउड हैं, लाउडेस्ट नहीं है, और क्वालिटी ठीक है, 10 में से मैं इसको 9 नंबर दूंगा इस प्राइस रेंज वाले स्पीकर में। हाँ, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ये डिवाइस
एंड्रॉयड 14 से आउट ऑफ द बॉक्स है। इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि कंपनी ने 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस किया है, यानी कि आपको एंड्रॉयड 16 तो ऑफ कोर्स मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे भर भर के दिए गए हैं। देखो ये फ़ोन सरक जा रहा था बिकॉज कैमरा वन थोड़ा सा बड़ा टाइप का है। देखो कहानी क्या है कि यहाँ पे दिए तो गए हैं बहुत सारे एप्लीकेशन, गेम्स वेम सब कुछ दिए गए हैं, लेकिन अच्छी बात देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपको जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे मिल रहे ना, जैसे कि ये हो गया, बर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आप हटा सकते हैं। आप कहेंगे इसमें कमाल की बात क्या है? कमाल की बात दो है। सबसे पहले कमाल की बात क्या है कि जब आप फ़ोन सेट करेंगे ना, तो आपको वो आता ना पॉपअप जो कि एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लो और जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होने आप उसको अनचेक करके उसमें नोटिफिकेशन ऑप्शन आएगा। अगर आप उसको डिसेबल कर देंगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेंगे। ये एक वन ऑफ द बेस्ट चेंज है, अदरवाइज बहुत ही अनॉइंग होता था। फोन सेट किया नहीं कि पता चला 4-5 दर्जन नोटिफिकेशन ऐसे आ गया, फोन फेंक देंगे गुस्से के मारे। सेकेंड बिग चेंज क्या है कि आप कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल एंड डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये तो अनइंस्टॉल कर लिया, अब आप कहेंगे ऐप मार्केट है, देखो मैं एक काम करता हूँ ऐप मार्केट पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ऐप इन्फो पे आए और इसको भी डिसेबल कर दिए, ठीक है। अब आप कमाल देखो, कमाल ये कि आपका ऐप मार्केट भी अब ऐप ड्रॉर से हट गया, आप ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वही चीज़ आप अगर ओप्पो के फ़ोन में जाएंगे, वीवो में जाएंगे, जहाँ पे वो ना वी स्टोर वो सारे मिलते हैं, वो आप हटा नहीं सकते, यहाँ पे चीज़ कर दी गई है। बैटरी यहाँ पे 5000 है, बैटरी हमारे केस में अच्छी मिली, हमने जितना यूज़ किया हमको 6 घंटे 6.5 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम मिल गया। यानी कि अगर आप एक बार फ़ोन फुल चार्ज करते हैं तो अगर आप सुपर हैवी यूज़र हैं तो आप 1 डे चला लेंगे, अगर आप मॉडरेट टू यू नो मिक्स टाइप वाले हैं तो 2 दिन आप आसानी से इस फ़ोन को चला सकते हैं। बाकी 67 वॉट है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है चार्ज करने में। अब इन द वर्डिक्ट में क्या आप इस फ़ोन को बाय करें ना बाय करें? देखो सीन क्या है, आजकल इस प्राइस रेंज में सभी कंपनीज कुछ ना कुछ नया दे रही हैं। कुछ कंपनी आईपी रेटिंग डिस्प्ले पे चलती हैं, कुछ कंपनीज परफॉर्मेंस पे चलते हैं, जैसे कि IQ के फ़ोन हो गया वो गेमिंग पे होते हैं, रेडमी भी इस बार क्या है कि डिस्प्ले हो तमाम CPU अच्छा देने की कोशिश आती है, तो गेमिंग सेंट्रिक नहीं है। पोको क्या है सुपर गेमिंग वाला फ़ोन होता है, कैमरा उसका एवरेज टाइप का होता है। रियलमी ने इस बार क्या किया, कैमरे पर ज़्यादा फोकस किया, डिज़ाइन पर ज़्यादा फोकस किया, बाकी चीज़ें यू नो लाइक ठीक देने की कोशिश की है, ऐसा नहीं कि वो सबसे टॉप ऑफ द क्लास है, अच्छी देने की कोशिश की है, राइट। तो आपको ये देखना पड़ेगा गाइस कि अगर आपकी नीड की, अगर आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, डिस्प्ले अच्छा हो, डिज़ाइन थोड़ा अलग टाइप का हो, लेकिन कैमरा इसका बहुत ही सही हो, तो आई थिंक प्रो प्लस आपकी सारी नीड फुलफिल कर सकता है। बाकी ऑप्शन मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। तो ये थे गाइस मेरे थॉट्स थे विद द रियलमी 12 प्लस, एंड स्टे ट्यून, 12 प्रो प्लस 12 प्रो भी है, ये भी एक एक्साइटिंग डिवाइस है। नियरली सारी चीज़ें उसमें वही हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कट शॉर्ट है, लेकिन आप पैसे काफ़ी बचा सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द फुल रिव्यू।